मुख्तार अंसारी के बाद अब अतीक अहमद को भी प्रदेश में वापस लाने की कवायद शुरू हो गई है। पुलिस विभाग में इस बात की सुगबुगाहट तेज है। अतीक के करीबियों में भी इस बात की चर्चा जोरों पर है। देवरिया कांड के बाद अतीक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया था, तब से अतीक वहीं पर है। माना जा रहा है कि अतीक ने वहां भी सेटिंग कर ली है, यहां तक कि वो जेल में मोबाइल का प्रयोग भी कर रहा है। इस बात की सूचना शासन तक पहुंची है। इसके बाद से ही उसे वापस लाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अतीक अहमद अहमदाबाद जेल में बंद है। शासन को सूचना मिली है कि अतीक की वहाँ भी सेटिंग हो गई है। उसके तमाम लोग छोटी मोटी धाराओं में अहमदाबाद जेल में बंद है। तमाम लोग प्रयागराज से जाकर वहाँ रह भी रहे हैं। अतीक जेल से ही अपने करीबियों से बात कर रहा है। तमाम बातें शासन तक पहुँची तो गुपचुप इसकी जाँच कराई गई। पुलिस विभाग में सुगबुगाहट है कि जाँच रिपोर्ट में भी इन्हीं सब बातों का जिक्र है। शासन अब जल्द ही अतीक की वापसी पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कोर्ट में एप्लीकेशन देकर अपील की जाएगी। मुख्तार को जिस तरह से प्रदेश सरकार पंजाब से लाई है, उससे अतीक के करीबियों को भी लगता है उसे भी जल्द यहां लाया जाएगा। इस बारे में पूछने पर कोई भी अधिकारी फिलहाल कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन सभी का कहना है कि वो शासन स्तर का मामला है और वो इस पर कुछ भी अभी नहीं कह सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।